कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सकल दिगंबर जैन समाज बेगमगंज सियावास जुलाराई सेन मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जय आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, दशलक्षण महापर्व के अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य की धर्मधरा बेगमगंज स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार में 31 अगस्त से 9 सितंबर के बीच 19वें संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। पुनः बता दें कि इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों को परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज, मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी एवं एलक श्री निश्चय सागर जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, देखते हैं 10 दिवसीय कार्यक्रम के समापन एवं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म दिवस के भक्ति ज्ञान से ओतप्रोत दृश्य। मध्य प्रदेश राज्य की ऐतिहासिक नगरी बेगमगंज स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर के आचार्य श्री विद्या सागर सभागार में 31 अगस्त से 9 सितंबर के बीच 19वां संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। 10 दिन चले इस कार्यक्रम के समापन अवसर यानी उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म दिवस पर कार्यक्रम की शुरुआत प्राचार्य श्री सुदर्शन जी टोपरे के निर्देशन में प्राणायाम एवं मुनि श्री द्वारा ध्यान साधना कराने के साथ हुई। आप सब जने गुरुदेव को नमस्ते करेंगे। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव का हमारी क्लास में स्वागतम। आइए अपने दो अंगूठे कानों में रखिए, दोनों कानों में, और जो दोनों हाथों के पांव पर चार चार उंगलियां है अपने आंखों पर, दोनों आंखों पर। ओम हम नित्यानंद स्वरूपोहम, नित्यानंद स्वरूपोहम, शुद्धोहम शुद्धोहम, बुद्धोहम बुद्धोहम, अनंत सुख स्वरूपोहम, अनंत सुख स्वरूपोहम, राग द्वेष मोह रहितो हम, राग द्वेष रहितो हम, आत्मस्वरूपो हम, आत्मस्वरूपो हम। प्राणायाम एवं ध्यान के बाद मंत्रोच्चारण के बीच सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमद पास्ती शंकराय द्वादश गण प्रविष्ट शुक्ल ध्यान पवित्र सर्वज्ञा स्वयं भवे श्रद्धा बुद्धाय परमात्मा ने परम सुखाय त्रैलोक में व्याप्त अनंत संसार चक्र परिमर्दन अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुखाय अनंत वीर्याय त्रैलोक शंकर सत्य ज्ञान सत ब्रह्मणे धरणन प्रणामंडल मंडितारे शारिका श्रावक श्राविका प्रोक्त चतुस्तंग सर्वनाशनाय घातिकर्म नाशनाय घातिकर्म नाशनाय अपवादम अस्माकम्। पांडुक शिला पर विराजमान श्री जी की शांति धारा के उपरांत पुण्य प्रतापी जिनेन्द्र भक्तों ने मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ की शांति धारा कर विश्व कल्याण की कामना की। ओम द्रीम श्रीम क्रीम अमरम वम वम हम सम तम पम वम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जीम जीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राम 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 द्रीम नमो रते भगवते श्री जन्म विशेषामी स्वाहा। ओम रीम श्री विश्वादि वीरांताजलि स्मापीति स्वाहा। ओम रीम श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः। ओम रीम श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः। ओम रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा रम नमः। ओम रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा रम। अब समय था अर्घ्य समर्पण का। मंत्रोच्चारण एवं संगीत बद्ध भजनों के बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने तीन लोक के नाथ को अर्घ्य समर्पित किए। प्रज्ञा प्रधाना श्रमणा समृद्धा प्रति बुद्धा दशै विपूर्वै जोर से
अमय से सर्वस्त तथा तथा से वृषा विषा दृष्टि विषा विषाक्षे सकल ओम ह्रीं श्री सरस्वतीयो विद्यमस्करेभ्यो वन्दनं सृष्टिभ्यश्च शुधारो विनाशनाय नैवेद्यं निर्वहामिति स्वाहा ओम ह्रीं श्री सरस्वतीयो विद्यमस्करेभ्यो वन्दनं सृष्टिभ्यश्च मोहन्धकार विनाशनाय दीपं निर्वहामिति स्वाहा ओम ऋषिदेव सरस्वतीयो विद्वांसकृभ्यो वन्दनं सृष्टिभ्यश्च मोक्षफल प्राप्ते फलं निर्वहामिति स्वाहा। इस भव्य कार्यक्रम के दौरान 9 सितंबर को भगवान वासु पूज्य जी के निर्वाण दिवस पर मोक्ष कल्याणक पूजन के साथ श्रद्धालुओं ने निर्वाण लाडू चढ़ाकर अपना जीवन धन्य किया। ओम केवल ज्ञान मंडिताय शिवास पूजनीय अर्घ्यं निर्वहामिति अस्बिन सुज दसमी सुबिसान भैया वंदन करे त्रिकाल जय निर्वाण कांड गुड़ मात होते दीपक लाओ चैनाऊ तोरे पैया हो दीपक लाओ चैनाऊ तोरे पैया तुझता हमें काए की हमारी नैया के तुम हो के भैया हमारी नैया के तुम हो के भैया तुझता हमें काए की ओम रे दिगंबर जय जय गुरु विद्यासाजी महामुनिंद्राय इस बीच विशिष्ट जनों ने आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर गुरुवरों को श्रीफल एवं शास्त्र आदि भेंट किए। गुरुदेवा गंगा मैया में ओ गंगा मैया में जब तक भी पानी गुरुवरों को शास्त्र आदि भेंट करने के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज के मुखारविंद से उच्चारित तत्वार्थ सूत्र का रसपान कर अपने आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि की। यहाँ पर पूज्यवर कहते हैं कि ऐसे रस चखने की बात कह रहे हैं, लेकिन किसका रस? जिसका कोई रस ना हो उसे चखो, उसका स्वाद आ जाए, उनका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाए। जैसे आप लोग खटाई का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है, दांत खट्टे हो जाते हैं। आचार्य महाराज कहते हैं कि वैसे ही अरस का नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ जाए और तुम्हारी आत्मा में आह्लाद उत्पन्न हो जाए। वह क्या आनंद आ रहा है उस रस के, अरस के रस में क्या गंध आ जाए? इसमें गंध ना आए, उसमें गंध आ जाए, उसमें गंध का अनुभव आ जाए। और रूप देख रहा है, किसका रूप देख रहा है? अरे जिसका कोई रूप ही नहीं है, ऐसा रूप देखने के बाद उस रूप में आनंद आ जाए, उसमें ब्रह्मचर्य व्रत की महिमा प्रकट हो जाती है। वही वास्तविक ब्रह्मचर्य व्रत का धारण कहलाता है। इस भव्य कार्यक्रम के समापन दिवस पर विधानाचार्य बाल ब्रह्मचारी श्री अनूप भैया जी एवं योगाचार्य प्राचार्य श्री सुदर्शन जी टोपरे के साथ अन्य विशिष्ट जनों का भव्य स्वागत अभिनंदन कर स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम
स्वागत अभिनंदन के बाद विधानाचार्य जी, योगाचार्य जी एवं विशिष्ट जनों ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। मुझे लगा इस 10 दिन में यह पर्युषण पर्व अच्छा होगा, मगर ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, बहुत ही अच्छा हो गया, बहुत बहुत ही अच्छा हो गया। शिविर में हमारे प्रकाश नंदा टोपरे जी ने, यहाँ तो पूरा व्यस्तता थी लेकिन वहाँ पे पूरा नशिया जी में कम से कम 50-60 लोग हम रहते थे और इतना अच्छा स्वाध्याय किया कि आज हम उसका वर्णन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। महाराज जी जो सही में वात्सल्य मूर्ति है, हम पहले मिथ्या के मार्ग में थे, जब से मैं बचपन से महाराज जी के सानिध्य में रहा तब हम सम्यक मार्गों के हैं। मैं मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहकर भी वहाँ धर्म का जो कुछ होता है वो करता हूँ, वो सब महाराज जी के अनुकंपा से ही होता है। गुरुदेव का सन 94 में चतुर्मास हुआ है और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि 28 वर्षों से निरंतर मुझे गुरु के चरण मिल रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जिसको अपनी दशा सुधारना है किसी भी प्रकार की, वो गुरु की सानिध्य में आके दिशा को ले सकता है। जो गुरु की दिशा में चलता है उसकी दशा जरूर सुधरती है और ये मैं साक्षात जानूं। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में श्रावक श्रेष्ठियों ने गुरुवरों की आरती कर मंगल भावना भाई। आचार्य स्वर्ण जयंती पसरणी में लिखा इतिहास, दर्शन चरित्र ज्ञान के जलती होए मसाल, दर्शन चरित्र ज्ञान के जलती होए मसाल, ऐसा लगा के संत तूने कर दिया कमाल, ऐसा लगा के संत तूने कर दिया कमाल, माता पिता भाई बहन परिवार एक चार, माता पिता भाई बहन परिवार एक चार, ऐसा लगा के संत तूने कर दिया कमाल। आरती के बाद समिति पदाधिकारियों एवं विशिष्ट जनों ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र का अनावरण किया। चित्र अनावरण के बाद मुनि श्री समता सागर जी महाराज ने श्रद्धालुओं की शंकाओं का समाधान किया। हे गुरुवर, मेरी शंका यह है कि जिनका देव दर्शन कर भोजन करने का नियम है तो क्या वह श्वेतांबर मंदिर के दर्शन कर भोजन कर सकते हैं या नहीं? देखो, देव दर्शन में वहीं पर देव के दर्शन होंगे जहां पर देव यानी भगवान का स्वरूप मिलेगा। जिस मंदिर में भगवान का स्वरूप भगवान के रूप में नहीं है तो वहाँ पर दर्शन करने से आपका नियम पूरा नहीं होगा, बल्कि जिस विशुद्धि के साथ अपने सम्यक्त के परिणाम अपने मन में रखे थे उसमें दोष लगेगा। हम 10 दिन शिविर में आते हैं, अभिषेक शांति द्वारा पूजन करते हैं, एकासन करते हैं, दोपहर 1 बजे से 4:30 बजे तक के धर्म ध्यान होता है, उसके बाद में गुरु भक्ति सब प्रवचन वगैरह कार्यक्रम होते हैं। इस शिविर में 10 दिन आने से गुरुदेव हमें शिव मार्ग प्राप्त होगा क्या? आचार्य कुंद स्वामी ने कहा है डायरेक्ट मोक्ष का मार्ग तो नहीं है लेकिन गृहस्थ का धर्म परंपरा से मोक्ष का कारण बनता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग है ग्रस्त का और यही परंपरा से मुनि धर्म में बदल करके मोक्ष का कारण बनता है। द्रव्य संग्रह की गाथा को हम कैसे समझें? दिग्देशेभ्यः खगा इत्य संबसंती नगे नगे स्वसाकार वसा ध्यान्ति दिक्षु देशे प्रगे प्रगे। इसका अर्थ है कि सांझ होते होते सब दिशाओं से सब तरह के पक्षी आकर के एक पेड़ पर बैठ जाते हैं और किलबिल 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 करते करते रात्रि विश्राम कर लेते और सुबह होते होते और सब जहां जहां से आए थे फिर लौट लौट करके अपने अपने कामों के लिए निकल जाते हैं।
शंका समाधान के बाद मुनिश्री ने श्रद्धालुओं के धार्मिक ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए प्रश्न पूछे और सही उत्तर देने वाले श्रावक श्रेष्ठियों एवं बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। ऐसे दिगंबर जैन व्यक्ति का नाम बताओ जो दिगंबर जैन भारत सरकार में गृह मंत्री रहा हो। श्री प्रकाश चंद्र सेठी। श्री प्रकाश चंद्र सेठी। प्रकाश चंद्र सेठी, कैसे मालूम? इंदिरा गांधी के समय थे। इंदिरा गांधी के, जोरदार तालियां बजा, बहुत बढ़िया उत्तर। अपना पुरस्कार ले अच्छे से। अगला प्रश्न है, ऐसे दिगंबर जैन व्यक्ति जो राजस्थान में राज्यपाल रहे हैं उनका नाम बताओ। जबलपुर के श्री निर्मल चंद जी जैन। निर्मल चंद जी जैन क्या हुए राजस्थान के? राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं। राज्यपाल रहे हैं, बहुत अच्छा। एडवोकेट निर्मल जैन राजस्थान के राज्यपाल हुए हैं। इस भव्य कार्यक्रम के समापन दिवस पर रात्रि बेला में भजन संध्या एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें गायकों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति देकर मंदिर परिसर में भक्ति की गंगा बहा दी। नजराना दिल कलाया बाबा तेरी नगरी में, नजराना दिल कलाया बाबा तेरी नगरी में। मैं दीवाना हो गया जी, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया जी, मैं दीवाना हो गया, अपने काले काले बाबा का दीवाना हो गया। संगीत बद्ध भजनों ने इस आनंद पूर्ण वातावरण में झूमते थिरकते श्रावक श्रेष्ठियां प्रभु भक्ति में लीन हो गए, तो वहीं बच्चों एवं किशोरियों के भक्ति नृत्य ने उपस्थित जनों को मंत्र मुग्ध कर दिया। भक्तों को दर्शन दे गए रे टीले बहु टीले बल बाला, भक्तों को भक्तों को भक्तों को दर्शन दे गए रे टीले बाल बाबा, भक्तों को दर्शन दे गए रे टीले बाल बाबा। दर्शकों, आज आपने परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज ससंग के वर्षा योग के दौरान दशलक्षण महापर्व के अवसर पर 19वें संस्कार शिविर के 9 सितंबर को आयोजित समापन दिवस की यादगार एवं आनंदमय झलकियों को निहारा। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश प्रांत की पावन भूमि बेगमगंज स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन बड़ा मंदिर के आचार्य श्री विद्या सागर सभागार में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जैन उपासकों ने 31 अगस्त से 9 सितंबर तक प्रभु एवं गुरु भक्ति कर पुण्य लाभ के साथ आध्यात्मिक ज्ञान का अर्जन कर अपना जीवन धन्य किया। इसी के साथ अब दीजिए मुझे आज्ञा, हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही अन्य मंगलकारी कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सकल दिगंबर जैन समाज बेगमगंज सियावास जुलाराई सेन मध्य प्रदेश।